हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, वीकेंड के वार में आए साजिद खान, और आपको जानकर हैरानी होगी कि साजिद खान ने खुलेआम मांगी प्रियंका से माफ़ी। क्यों किया साजिद ने ऐसा, चलिए हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में टेली टॉकीज की। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं। बिग बॉस सीजन 16 के घर के अंदर साजिद खान वीकेंड के वार पर बतौर गेस्ट आए। साजिद को देखकर सभी घर वाले हैरान हो गए। लेकिन साजिद खान यहां पर ना सिर्फ अब्दू के साथ मस्ती करने के लिए आए थे, उन्होंने अपनी मंडली को सपोर्ट करा, मंडली से बातें की, लेकिन उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी। जी हाँ, साजिद खान ने प्रियंका चाहर चौधरी से माफ़ी मांगी है। साजिद ने प्रियंका से कहा कि प्रियंका, मैंने तुम्हारे लिए शो में कुछ भी गलत नहीं बोला, लेकिन जब मैं बाहर आया तो मुझे पता चला कि उसको किस तरह से मिस इंटरप्रेट करा गया। मैंने ये बोला था कि तुम्हारे अंदर लीडर बनने की क्वालिटी है, लेकिन लोगों ने उसको इस तरह से दिखाया कि मैं तुम्हें गलत बोल रहा हूँ। तो वहीं लोगों ने ये भी शो करा कि मैंने तुम्हारे और अंकित के रिलेशनशिप पर कमेंट करा, जबकि मैंने ऐसा नहीं किया था। मैंने सिर्फ ये कहा था कि अंकित ने मुझे तुम्हारे बारे में कुछ बताया है जो मैं नेशनल टेलीविजन पर नहीं बोल सकता, और उसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं था। पर हाँ, उसने तुम्हारे बिहेवियर के बारे में मुझे कुछ बताया था और लोगों ने उसको भी मिस इंटरप्रेट करा। मैं ये कहूँगा कि तुम में लीडर क्वालिटीज़ हैं और तुम इस शो को लीड कर रही हो, तुम इस शो में सबसे सही लग रही हो, और मैं सिर्फ यही बताने के लिए तुमको स्पेशली आया हूँ, क्योंकि मैं कोई भी तरह की गलत इंटरप्रिटेशन अपनी बातों की नहीं चाहता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि किसी की भी इमेज खराब हो, ना तुम्हारी ना मेरी। वेल, दोस्तों, साजिद ने तो ये कह ही दिया कि कहीं ना कहीं वो खुद ही गलत थे। आप क्या कहेंगे, कमेंट्स में हमें ज़रूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।